रोहित शर्मा के पाले में जब जब सिक्का गिरा ना भैया, ये खुश ऐसे हो जाते हैं जैसे कुत्ते को हड्डी और नंगे को चड्डी मिल जाती है। अबे साले कुछ भी ये सोचते हैं भैया, विराट की जो शर्मा है ना, अब वो मेरी हो गई है और अब इस मैदान पर हम करेंगे कुछ और काम। एहे, रहा नहीं जाता। लेकिन भैया जो काम करना होता है वो ये कर नहीं पाते। और जब जब गिल अच्छा खेलेगा तो गुजरात सामने वाली टीम को पेलेगा। भैया गजोधर, आज इतना तुम खुश काहे दिखाई दे रहे हो? अरे भैया खुश काहे ना हो, आज हमारा भाई मनोहर पेले है, बहुत पेले है सामने वाले को। कैसी बात कर रहा है? अच्छा, तभी वो इंसान बहुत ही ज्यादा हंस रहा है खीखी खीखी करके। कौन भैया, कौन हंस रहा है? वही भैया रिंकिया के पापा हंस रहे हैं ना। ग्रीन भैया बहुत महंगे बिके हैं, इसलिए बहुत महंगे साबित भी हो रहे हैं। चलो दोस्तों, जानते हैं कि भैया क्या हुआ कल के मैच में, किसने किया गु और किसने किया बहुत ही अच्छा कमाल। स्टार्ट करते हैं भैया अपने शाहजी से। शाहजी भैया तेंदुलकर का सम्मान करते हैं, इसलिए भैया तेंदुलकर के बेटे से अर्जुन तेंदुलकर से आउट होकर चले गए। लेकिन भैया जब जब गिल खेलेगा तो गुजरात पेलेगा और सामने वाला झेलेगा। शाबाश, यही कहना है गुजरात की ऑडियंस का। कुंफू पांडे का कमाल इस मैच में हमको देखने को नहीं मिला, और वहीं हमको कमाल देखने को नहीं मिला किसका, विजय शंकर का। पिछले मैच में बल्लेबाजी से तो कमाल बहुत ही अच्छा किया था हार्दिक पांड्या ने, लेकिन इस बार कुछ सुस्त दिखाई दिए हमको। वो सोच रहे थे भैया सुमन गिल तो मार ही रहे, हम क्या करें आकर, तो मैं नहीं खेलूंगा। जब आते हैं मैदान पर मिलर तो समझो भैया चौके और छक्के की बारिश होने लगती है। सभी गेंदबाज जो है ना भैया डर कर छुप जाते हैं चूहों की तरह। तो भैया मिलर जो है कल के मैच में किलर का रोल निभाते हुए नजर आए। इन्होंने बनाए भैया कल के मैच में 22 बॉलों पर 46 रन। वहीं भैया अभिनव मनोहर कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी मारे भैया 21 बॉलों पर 42 रन। मतलब भैया मिलर और किलर ने मिलकर धो दिया मुंबई वालों को, बहुत मारा, मतलब मैच होती। और वहीं भैया राहुल कहां पीछे रहने वाले थे इस मैदान पर, ये भैया मुंबई वाले राहुल नहीं बल्कि गुजरात वाले राहुल तेवतिया हैं। 5 बॉलों पर इन्होंने मारे हैं 20 रन। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? इसकी वजह से गुजरात वालों ने बना लिया 207 का स्कोर, जबकि लग रहा था कि भैया सिर्फ गुजरात वाले पहुंचेंगे कहां तक, 170-180 तक ही। लेकिन कल के मैच में गुजरात वालों ने कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। अब बारी थी भैया मुंबई वालों को कमाल दिखाने की, और मैदान पर उतरे रोहित शर्मा और उन्हीं के साथ साथ ईशान किशन। लेकिन भैया रोहित शर्मा इस बार 2 रन बनाकर आउट हो गए 8 बॉलों पर। वेरी गुड, हर बार राशिद खान इनको आउट करते थे, लेकिन भैया इस बार किसने आउट किया, अपने पांड्या जी ने। भैया कुंफू वाला इन्होंने स्टाइल दिखाया और रोहित को चलता बनाया। चल 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 निकल यहां से। रोहित के आउट होने के बाद मुंबई के जो फैंस थे अभी उनके दिल में कुछ जगह बाकी थी, इसलिए वो नारा लगा रहे थे जय जवान जय किसान। लेकिन भैया ईशान किशन को ये नारा पसंद नहीं आया और वो भी चलते बने। 21 बॉलों पर 13 रन बनाकर फुल टेस्ट खेलते हुए नजर आ रहे थे, अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहते थे इसलिए जल्दी जल्दी निकल गए। इनको पता था कि भैया मैच हम जीतेंगे नहीं, तो क्या फायदा मैदान पर रुक कर जाकर वहां बैठो, और सामने वाले जो बेइज्जती करा रहे हैं, जो ये मैच हारने का जिम्मा है वो दूसरे प्लेयरों पर डाल दो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ग्रीन की जो हल्क वाली शक्ति थी वो भी खत्म होते हुए नजर आई, 26 बॉलों पर 33 रन मार के गए। कह सकते हैं भैया अपनी टीम की इज्जत बचा के गए, लेकिन भैया बैटिंग में इन्होंने इज्जत बचाई है, लेकिन बॉलिंग में बहुत तुड़ाई हुई है इनकी। 2 ओवर में कम से कम 40 रन इनको पड़े हैं। शाबाश बेटा। तिलक वर्मा भैया कैसे शर्मा जी को मुंह दिखाएंगे, लगाकर आए थे तिलक, नारियल वारियल फोड़ कर आए थे, लेकिन भैया ये चीजें यहाँ पर इनके काम में नहीं आई। 3 बोलों पर 2 रन बनाकर राशिद खान ने इनको चलता बनाया। देखा पूरा देखा। मुंबई वाले और मुंबई की ऑडियंस भैया सही में परेशान है, वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है कि सूर्य का सूर्य उदय हुआ है या अभी भैया कुछ बादल छाए हुए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। किसी मैच में मारते हैं, जिस मैच में जरूरत होती है उस मैच में भैया चूस हो जाते हैं। अरे भैया टीम डेविड मुंबई की तरफ से खेल रहे, 3 बार 0 पर आउट हो चुके हैं, सिल्वर डक इनको मिल चुका है। गाली दे रहा है कोई? क्या बोल रहे हैं? बहिनचोद।
बोल रहा है? पता नहीं, लगता है गोल्डन डक भी लेने वाले हैं ये। लेकिन भैया इस टीम से खुश किसने किया? निहाल वधेरा ने बहुत ही ज्यादा खुश किया अपनी ऑडियंस को। लेकिन भैया जब तक ये खुश कर पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुंबई वाले बोल रहे हैं भैया पुष्कर चला मुझे खुश कर, लेकिन यहाँ पर कोई पुष्कर नहीं था। निहाल वधेरा ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी, अपनी टीम को 40 रन का योगदान इन्होंने दिया है। लेकिन ये जो योगदान था ना भैया, वो पीयूष चावला की बदौलत आया है। पीयूष चावला को रन आउट कराकर इन्होंने 40 रन का योगदान दिया था अपनी टीम के लिए। पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा। पीयूष चावला बहुत ही ज्यादा पुराने चावल हैं, लेकिन भैया वो चावल अभी काम नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तारीफ करनी पड़ेगी भैया नूर अहमद की और वहीं पर राशिद खान की, जो इन्होंने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करके अपनी टीम को जीत दिलाई है। मुंबई की टीम को घुटनों के बल बैठा दिया और हार मानने पर मजबूर कर दिया। राशिद खान खाते हैं पान और मचाते हैं तूफान, ये हर बार कुछ ना कुछ कमाल करते ही करते हैं। राशिद खान को फॉर्म में देखकर भैया नूर अहमद भी फॉर्म में आ ही गए थे, उन्होंने भी भैया खाया एक पान और मचा दिया तूफान। मैन ऑफ द मैच रहे भैया अभिनव मनोहर। तो भैया कुछ भी कहो, कल के मैच में गुजरात वाले ने ढोकला फाफड़ा खाकर कमाल कर दिया, मचा दिया धमाल। लेकिन भैया मुंबई वालों को कल वड़ा पाव हजम नहीं हुआ और कल का ये मैच हार गए। कोई बात नहीं भैया, मैच में हार जीत तो लगी रहती है। इसी तरह आईपीएल 2023 के मुकाबले होने वाले हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, और हम आपके लिए इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहेंगे। तो भैया अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर दो, लाल वाला बटन वहां पर है, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। तो भैया मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दो मुझे इजाजत, और आप सब भैया रखना अपना ख्याल, मचाते रहेंगे हम इसी तरह धमाल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।